फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको कोई डिराइव नहीं कर सकता है, और डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से डिराइव की जाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी स्वयं में खुद में फुल्ली डिफाइंड होती हैं, उनको डिफाइन करने के लिए किसी अलग चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई गई हैं, उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई गई हैं, और 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद फिर हम आ गए थे सप्लीमेंट्री यूनिट पे। सप्लीमेंट्री यूनिट पे मैंने बताया था एंगल, और एंगल में मैंने बताया कि जो एंगल की यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो रेडियन है, और किस तरीके से डिग्री सिस्टम को रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। और कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के। आई होप सभी लोगों ने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कर लिया होगा, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला कल क्या मैंने बताया था कि यदि आपके पास डिग्री मेज़र है और अगर आप उसे रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करने के लिए जो डिग्री मेज़रमेंट है उसमें आपको पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसमें आपको पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस, ठीक है ना। तो फॉर एन एग्जांपल कल हमने देखा था कि नीतीश कुमार के, तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से हम डिग्री मेज़रमेंट को रेडियन मेज़रमेंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए कुछ एग्जांपल से एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, इन दिस वे दिस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 रेडियन में कन्वर्ट हो गया था। ओके, आज बच्चों हेडिंग डालिए, लिखिए कॉपी में हेडिंग डालिए कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। ओके, रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। बच्चों देखिए आपके पास रेडियन मेजरमेंट में, कल मैंने बताया था कि एक कंप्लीट सर्कल अपने सेंटर पे जो होता है, एक कंप्लीट सर्कल जो होता है ना अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है, ये मैंने कल निकाला था। कैसे निकाला था, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने एंगल का, एंगल इज इक्वल्स टू बताया था मैंने आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो कल मैंने बताया था कि एक कंप्लीट एंगल के लिए जो आर्क होता है, कंप्लीट एंगल के लिए जो आर्क हुआ करता है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, और रेडियस इक्वल्स टू आर, तो आर से आर हो गया कैंसिल, सो एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। जी हाँ, तो एक कंप्लीट एंगल जो बनता है वो बनता है हमारे पास 2 पाई रेडियन। ओके, 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन है, रेडियन सिस्टम है, और यही हम लोग डिग्री सिस्टम में कंप्लीट एंगल कितने का पढ़ते थे, डेफिनेशन आई थी ना हम लोग के पास पहली बार 9th क्लास में, व्हाट इज कंप्लीट एंगल, एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। सो वेरी सिंपल गाइज, 2 पाई रेडियन में होते हैं 360 डिग्री, सो 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, 360 अपॉन 2 पाई डिग्री, तो इसको काट दो 2 से, 180। ओके, सो 1 रेडियन में कितने डिग्री हुए, 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री हुए। तो नोट कर लीजिए, ये है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका, जस्ट उल्टा हो गया है। कल हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे थे, पाई अपॉन 180 का, आज हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई का। नोट कीजिए फटाफट, सभी को जहां पे क्लियर ना हो बच्चों मेरे को रोको, बोलो, उस चीज को बताने के लिए दोबारा एक्सप्लेन करेंगे अपन। ओके, सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। नोट्स ग्रुप में डाल दिए गए हैं, नोट्स पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, बहुत बड़ी होती है फिजिक्स, आप लोग के बिना सपोर्ट के नहीं हो पाएगा। फिजिक्स की एक एक लाइन पढ़िए, और जहाँ पे दिक्कत आ रही है वो मुझसे क्लास में पूछिए। कल मैंने डिटेल्ड नोट्स आपको ग्रुप में डाले हैं,
बुक वगैरह से समझ में नहीं आएगी फिज़िक्स, यही जो नोट्स मैंने इजी बना के डाले हैं उन्हीं में से समझ में आएगी। सो दिस इज़ कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, 180 डिग्री अपॉन पाई। चलो जैसे मान लो किसी ने आपको कह दिया कि ले भाई 5 पाई बाई 12 रेडियन है, बताओ डिग्री में कितना होगा। वेरी सिंपल भाई, एक रेडियन में कितने होते हैं, 180 अपॉन पाई, तो 5 पाई बाई 12 में कितने होंगे, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 5 पाई बाई 12, क्योंकि एक रेडियन में इतने डिग्री, तो इतने रेडियन में कितने, जस्ट मल्टीप्लाई तो करते ना, जैसे 1 रुपये में 4 आम तो 10 रुपये में 40 आम, वही मेन सिंपल मेथड। तो पाई से पाई हो गया कैंसिल, 12 से काटो 180 को, चलो 2 से काटते हैं पहले, 2 से 6 बार गया ये, 2 6 12, और ये कितने बार गया, 90 बार, ओके 90 से 6 को काटो भाई 15 बार, सो आंसर कितना आ गया बच्चों, 75 डिग्री। ये लो भाई नोट कर लो बच्चों, तो 75 डिग्री हुआ, 75 डिग्री हुआ। क्या आपका डिग्री मेजरमेंट, 75 डिग्री आपका हुआ डिग्री मेजरमेंट। यस सर। सो डिग्री मेजरमेंट अपने पास जो है वो 75 डिग्री आ चुका है। ओके चलिए, सो आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एज ए की नोट दो चीज़ों को लिख लो बस। की नोट क्या बन गया, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो बस इतना समझ ले कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई। ये मुझे कभी नहीं भूलता, बस मुझे ये कभी नहीं भूलता, ये याद रहता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको दे दिया गया 75 डिग्री में, बोल दिया गया कि 75 डिग्री में हाउ मैनी रेडियन, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि 75 डिग्री में कितने रेडियन, तो क्या करोगे, 75 इंटू पाई अपॉन 180, चलो काटो 15 से 5 बार जाएगा और ये 12 बार जाएगा, 12 टाइम्स, सो आंसर हो गया 5 पाई बाई 12। सो आई होप सभी को क्लियर होगा। आंचल क्लियर हो गया ना तुम्हें सर? थोड़ा थोड़ा। तो बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा लेट हो गई आप। बेटा देखो डिग्री को आज मैंने क्या सिखाया, कल मैंने सिखाया था रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, नहीं कल मैंने सिखाया था डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, आज मैंने सिखाया है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो आपके पास मान लो कोई रेडियन एंगल है, फॉर एग्जांपल रेडियन में एंगल क्या है बेटा, 5 पाई बाई 12, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए केवल एक ही चीज़ याद रखना है बेटा, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दो, बस डिग्री में बदल जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसिल, इसको कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 से काट दो इसको, 2 6 12, 2 9 180, और 6 से 90 तो मुझे याद है कितने बार जाता है, 15 बार, तो 15 5 जो कितना हो गया, 75 डिग्री। तो बस इतना ही तो मैंने बताया कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करो, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या, 180 अपॉन पाई का। अब बताओ क्या कन्फ्यूजन है, प्लीज बताइए। क्लियर है ठीक है ना। आपको मन में कोई भी डिग्री हो, आपके मन में कोई रेडियन एंगल हो, मुझे बता दो मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। कोई भी डिग्री एंगल हो, कोई भी रेडियन एंगल हो, आप बड़े आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके यस सर। अच्छा एक बात और बता देता हूँ एड में। देखो बच्चों 10th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में लास्ट ईयर देखो आपके पास एंगल क्या हुआ करते थे, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 डिग्री, ये एंगल हुआ करते थे। तो वहाँ पर अब चलते थे बच्चों डिग्री सिस्टम, तो इसलिए डिग्री हुआ करता था। बट अब आप देखिए 11th क्लास की जो भी बुक आपके पास में है, अगर आप उसमें उठा करके अगर आप देखेंगे कि रेडियन सिस्टम में दिया गया, तो मालूम है आपकी जो नई टेबल बन के आई है वो कैसी आई है। जो आपकी नई वाली टेबल है वो कुछ इस तरीके की है, थीटा यहाँ पे 0 रेडियन, क्योंकि 0 डिग्री में 0 रेडियन, 30 डिग्री में कितने होते हैं, पाई बाई 6 रेडियन,
45 डिग्री में कितने होते हैं? पाई बाई फोर रेडियन। इसमें कितने होते हैं? पाई बाई थ्री रेडियन। और इसमें कितने होते हैं? पाई बाई टू। सर ने आपने तो सर बिना बिना निकाले ही लिख दिया, क्योंकि मुझे याद है बच्चों, इसलिए मैंने बिना निकाले लिख दिया। आपको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो उठाता हूँ 0 डिग्री से, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से बोलूँगा किसका मल्टीप्लाई करते हैं? पाई अपॉन 180 का। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। 0 तो महादेव है, जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाता है। तो 0 का क्या हो गया? 0। अगला देखो 30 डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूँ। पाई बाई 180, 36 180, सो पाई बाई 6। ये देख लो बच्चों, तो यहाँ पे 30 डिग्री था जो पिछले जन्म में, पिछले जन्म मतलब 10th क्लास है ना, और इस जन्म में क्या हो गया? पाई बाई 6। 45 डिग्री को देखो किस में कन्वर्ट हो गया है? पाई बाई 4 में। 45 डिग्री मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180, ठीक है ना, सो पाई बाई 4। अब कल जितने बच्चों को होमवर्क मैंने दिया था, और जिन लोगों ने उतना सा भी होमवर्क नहीं किया, वो बच्चे अपने आप को इस कैटेगरी में डाल लें, केयरलेस। आप लोग बहुत केयरलेस हो। अगर आप लोगों ने कल थोड़ा सा भी दिया मेरा होमवर्क नहीं किया है, मतलब आप लोग याद रखो कि आप बहुत केयरलेस हो। और फिजिक्स केयरलेस बच्चों की दुश्मन है। फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स बहुत डिसिप्लिनड लोगों वाली पढ़ाई है, याद रखना कि फिजिक्स जो है बहुत डिसिप्लिन मांगती है पढ़ाई में। अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे तो आपसे नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है ना, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ना। तो पाई बाई सर, आपने जो क्लास मतलब व्हाट्सएप पे जो नोट्स भेजे उसको पढ़ के मैं रिवाइज कर लूँगी पूरा चैप्टर। ठीक है, आप रिवाइज करोगी कि कर लिया आपने? सर अभी मैंने नोट्स को देखा था, आज अच्छे से कर लूँगी। आपने होमवर्क किया मगर नहीं किया ना, बोलो। मैंने आपको कुछ एंगल दिए थे डिग्री में, याद है, कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में। हाँ सर। बस 5 मिनट लगने थे यार, कर लिया करो। कर लोगे तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप लोग बड़े फिजिक्स में मजबूत हो जाओगे ना, इसलिए मैं होमवर्क देता हूँ थोड़ा थोड़ा। चलो, फिजिक्स में करने को बहुत कुछ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते रहना, नहीं तो दिक्कत करेगी बच्चों, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई, देखो बच्चों पाई बाई 3 हो गया। तो मैं वही वही बात क्या बताऊँ, बार बार देख रहे हो ध्यान से, कन्वर्ट हो रहा है। तो अब आई होप आप सभी को डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते बन जाएगा। चले हम आगे। यस सर। चलिए यस सर। ठीक है, सो ये पहला पार्ट था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये क्लास के नोट्स में एट द एंड ऑफ द क्लास डालता हूँ भाई, आप लोग इसको देख लिया करो, नोट्स वोट्स बना लिया करो, थोड़ा अच्छा रहेगा। आज हम सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए, इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो है, अगले टॉपिक का नाम है बच्चों डायमेंशन, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। समझो भाई, बड़ा मस्त टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। अभी अगर मैं 10th क्लास के लेवल तक मैं बोलूँगा बेटा डायमेंशन का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर डायमेंशन का मतलब सर वो आप मान लो सर एक्सेस मान लो। मैं बोलूँगा क्यों मान लूँ मैं, तो आप बोलोगे सर हमने एक्चुअली क्या है सर, आज तक दो ही चीज़ सुनी है, या तो हमने 2D सुनी है और हमने 3D सुनी है, और 3D के बारे में हमारा एक्सपीरियंस जो है ना वो 3D मूवी के बारे में ज़्यादा है। और जब हम जानना चाहते थे कि 3D मूवी का मतलब क्या होता है, तो हमें पता चला 3D मूवी। तो 3D मूवी के बारे में हमें ये पता है सर कि इसमें 3 एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस, एक जेड एक्सेस। हाँ ऐसा होता है सर, है ना। तो मैं बोलूँगा हाँ भाई वो बात बिल्कुल सही है, बट ये वो डायमेंशन नहीं है, ये वो डायमेंशन नहीं है, है ना। 2D मतलब 2D, 2D मतलब 2D। हाँ ये भी है, ये भी हमें फिजिक्स में पढ़ना है, 1D 2D, बट ये डायमेंशन जो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी वाला, ये अलग है। एक्चुअली इसका पूरा नाम है डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ ये टॉपिक अपनी अपनी कॉपी में लिख लो बच्चों,
डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है। आओ, जैसे बच्चों मैं बात करूं आपसे कि एरिया 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 इक्वल टू क्या होता है यार, एरिया इक्वल टू होता है सर जी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ये होता है एरिया। अब देखो जी, एरिया है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, लेंथ को किस में नापते हैं, ये तो हो गया क्वांटिटी के बारे में बात, लेंथ किस में नापते हैं बच्चों, मीटर में, और ब्रेड्थ भी किस में नापते हैं, मीटर में। ओके, तो यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया, तो इसकी यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही बच्चों, इसकी यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। अब फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7। फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स में 7, ठीक ना। अगर मैं बोलूं कि एरिया में मैं कहूं कि क्या एरिया मास पर डिपेंड करता है, तो आप कहोगे सर एरिया में तो केवल लेंथ ही आ रही है मीटर इंटू मीटर दो बार, तो एरिया जो है मास पे इंडिपेंडेंट है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता। और बच्चों डिपेंड जिस पे नहीं करता उसकी पावर करते हैं फिजिक्स में 0, क्योंकि समथिंग की पावर 0 मतलब नो डिपेंडेंस। मैं कहूँगा एरिया क्या मास पे डिपेंड करता है, बोलोगे सर नो, मास तो है ही नहीं यहाँ पे। मैं कहूँगा क्या एरिया टाइम पे डिपेंड करता है, कहोगे नो सर, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है, 0। क्या एरिया लेंथ पे डिपेंड करता है, हाँ सर एरिया जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें लेंथ के दो कंपोनेंट भरे हुए हैं, तभी तो मीटर इंटू मीटर बन गया मीटर स्क्वायर। तो बच्चों डायमेंशन का मतलब ये होता है कि किसी क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितने से रेज हुई है, रेज मतलब पावर। किसी भी गिवन क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब कौन कौन सी, वो 7 जो कल मैंने पढ़ाई है ना, मास, टाइम, लेंथ, अमाउंट ऑफ मैटर है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और करंट, वो कितनी पावर से रेज हो रही हैं, उस पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो व्हाट इज एक्चुअली डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन कुछ भी नहीं, सिंपली पावर है। तो डायमेंशन है क्या, जो डायमेंशन है, डायमेंशन इज द पावर रेज्ड ऑन एनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यस, डायमेंशन इज व्हाट, डायमेंशन इज एनी पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर रेज होती है इन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, अब देखो मैंने दो वर्ड यूज़ करे हैं, एक लिखा मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक लिखा मैंने फिजिकल क्वांटिटी। तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, और उसके अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, वो आपकी फंडामेंटल होगी। चलो समझ में नहीं आई होगी ये लाइन, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। देखो बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। बच्चों स्पीड, स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर ये बहुत ज्यादा लैग कर गया था वो अपने फिजिकल क्वांटिटी से लेके, अभी आपकी आवाज आई है तो बीच में पूरा लैग मार गया। अच्छा, बहुत लैग हो गया था। चलो ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो तो बच्चों मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं डायमेंशन आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डायमेंशंस क्या होती हैं। तो जैसे कि आपके पास में ये लिखा हुआ है डायमेंशन, अभी ठीक है, अभी अभी सही आ रही है। हेलो हेलो, अभी सही आ रही है आवाज़ मेरी। हेलो, अभी मेरी आवाज़ सही आ रही है। हेलो, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को?
आ रही है सर। हाँ ठीक है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए देखिए, तो मैं डायमेंशन की बात कर रहा था। व्हाट इज़ डायमेंशन? डायमेंशन जो होती है एक्चुअली सिंपली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर रेज होती है ना, उसको डायमेंशन बोलते हैं। अब स्पीड पे आ जाओ बच्चों, स्पीड से समझो, ये जल्दी समझ में आएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डियर, डिस्टेंस किस में नापते हो? डिस्टेंस अपन मीटर में नापते हैं, और टाइम किस में नापते हैं? सेकेंड में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? बहुत लैग हो रही है आपकी आवाज़। ठीक है, मैं एक बार फिर से ज्वाइन होता हूँ, रुक जाओ। चलिए कोशिश करता हूँ कि अभी लैग ना हो, ठीक ना? यहाँ से तो सब कुछ ठीक आ रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, बताइएगा अगर लैग होगी तो फिर से चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। अभी ठीक आ रही है? अभी सब कुछ सही है? हेलो, अभी सही है? अक्षत, अक्षत आवाज़ आ रही है अभी? हेलो अक्षत, आवाज़ आ रही है? क्रिश, मानवी, अभी आवाज़ मिल रही है? नहीं मिल रही? यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस में, डिस्टेंस को हम लोग इसमें नहीं मेज़र करते हैं, मीटर में, और ये सेकंड में। सो वी कैन राइट इट मीटर, और सेकंड की पावर माइनस वन। मीटर सेकंड की पावर माइनस वन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेंथ का कंपोनेंट है, टाइम का कंपोनेंट है, बट मास का कंपोनेंट नहीं है। मतलब मीटर लेंथ की पावर कितनी है? वन, और टाइम की पावर कितनी है? माइनस वन। तो बच्चों, अब सबसे पहले आप देख लो डायमेंशनल फार्मूला लिखना, अच्छे से समझो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीटर में मेज़र करोगे और टाइम सेकंड में मेज़र करोगे, तो इसकी यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। अब अगर आप डिस्टेंस का, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो ध्यान से, वहाँ बोल, बोलो बेटा। सर आपकी आवाज़ बहुत लैग कर रही है। सर आप दूसरी लिंक दे दो। दूसरी लिंक दे दूँ? ये कैसे हो सकता है भाई? तो बिल्कुल सही है एकदम, एक ही लिंक से पढ़ाता हूँ मैं तो। सर वो लिंक की प्रॉब्लम नहीं है, वो सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इस की मैं बात करूँ, यदि मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? आपने क्लास पढ़ा है म्यू। म्यू इज इक्वल टू वी वन वी टू। वट इज़ वी वन? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो यदि मैं डायमेंशन फार्मूले म्यू की, तो देखो स्पीड किस में नापी जाती है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड भी किस में नापी जाती है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड में ना मास आया, ना लेंथ आई, ना टाइम आया। क्वांटिटी बताओ, विद डायमेंशन या विदाउट डायमेंशन? अरे डायमेंशन है ही नहीं, विदाउट डायमेंशन मतलब ये डायमेंशन लेस है। अच्छा बताओ, इसकी यूनिट होती है कि नहीं होती? इसकी यूनिट भी नहीं है बच्चों? नहीं सर। हाँ, तो जनरली जिनकी डायमेंशन नहीं होती उनकी यूनिट नहीं होती है, मगर जो एंगल है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी किस में नापा जाता है? सेंटीमीटर में, मतलब वो भी लेंथ है। रेडियस भी किस में नापी जाती है? लेंथ में। तो लेंथ से लेंथ कट गए, तो उसकी भी डायमेंशन एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, मगर यहाँ पर इसकी यूनिट दी खुद एसआई ने,
कहा कि भैया एंगल की यूनिट हम देंगे एंड दैट इज़ रेडियन। समझ में आ गया? तो देखिए इसमें डायमेंशन इसकी नहीं है, ये भी डायमेंशन लेस है बट ये भी डायमेंशन लेस है, बट ये डायमेंशन लेस के साथ साथ यूनिट लेस है, बट ये यूनिट लेस नहीं है, इसकी यूनिट है। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। ओके, तो बच्चों ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन मैंने बता दी, ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए लिखिए बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए एक्सप्लेन डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। एक्सप्लेन, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया समझाया, अब आप इसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे एक्सप्लेन डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला। सो व्हाट इज डायमेंशन? अभी अभी मैंने बताया द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड सो एज टू गेट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यस, किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्टेन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस पावर से रेज किया जाता है दैट इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन। द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड सो एज टू गेट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। द एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला? द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ डायमेंशनल फार्मूला फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यस, फॉर एग्जाम्पल गाइज, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, the formula of velocity is equals to displacement upon time. The displacement is a type of length, so in it is it can be written as ओके। देखिए डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूले पर हम बात कर रहे थे। डायमेंशंस द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड सो एज टू गेट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड, मतलब ऐसी पावर जो जिनको हम रेज करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको हम रेज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज में, उन्हें हम डायमेंशन कहते हैं। The expression of a physical quantity in terms of fundamental physical quantity is called the dimensional formula of the given physical quantity. The expression of a physical quantity in terms of fundamental physical quantity is called the dimension formula of the given physical quantity. मतलब जो expression होता है उसे हम कहेंगे जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम कहेंगे आपका फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या आएगा? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन फार्मूला क्या होती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर माइनस 1, तो L की पावर 1 हो जाएगा और T की पावर माइनस 1, तो ये बनेगा आपका डायमेंशनल फार्मूला L T की पावर माइनस 1। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए डायमेंशन फार्मूला फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन क्वांटिटीज के मैं डायमेंशन फार्मूले बता रहा हूँ आपको। पहला, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बहुत जो बहुत आसान है, आपको बस ये काम करके लाना है एरिया, सो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। किसमें नापी जाएगी? लेंथ में। ब्रेथ भी मीटर है ना, ये इसका भी सिंबल मीटर होता है, इसकी भी यूनिट मीटर होती है। तो जब दोनों मीटर हैं तो हैं क्या? टाइप ऑफ लेंथ है दोनों, तो दोनों की डायमेंशन क्या बनेगी? एल की पावर 2। तो डायमेंशन फार्मूला ऑटोमेटिकली कैसे लिखेंगे? एम जीरो एल टू टी की पावर 0। ओके, एम जीरो एल टू पावर 0, तो ये हो गए डायमेंशन एम जीरो एल टू टी की पावर 0। देन नेक्स्ट देखिए, अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं आप लोग? वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सो लेंथ भी किसमें नापते हैं हम लोग? मीटर में। ब्रेथ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में। सो ये बन जाएगा मीटर का क्यूब। ओके, सो इसको क्या लिख सकते हो आप?
एल इंटू एल इंटू एल दैट इज इक्वल्स टू एल, तो ये अपने पास बन जाएगा मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब की डायमेंशन हो गई, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो डायमेंशन वाइज एम की पावर ज़ीरो, एल की पावर थ्री, टी की पावर ज़ीरो, एम की पावर ज़ीरो, एल की पावर थ्री, टी की पावर ज़ीरो, ये डायमेंशन हो गई एम ज़ीरो एल थ्री टी की पावर ज़ीरो। देन डेंसिटी, एक और देखते हैं डेंसिटी की डायमेंशन। डेंसिटी की डायमेंशन कैसे देखेंगे, देखिए डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा m और वॉल्यूम क्या होता है l की पावर 3। अभी मैंने बताया मास होता है मास किलोग्राम और पर मीटर क्यूब, इसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मास मीन्स हो गया m और मीटर क्यूब मतलब l क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा m की पावर 1, l की पावर माइनस 3 एंड t की पावर 0। सो डायमेंशन बन गई m की पावर 1, l की पावर माइनस 3 एंड t की पावर 0। ओके, सो जो डायमेंशन निकल करके आ रही है इसकी वो yes, है m की पावर 0, l की पावर 3, सॉरी डायमेंशन डेंसिटी की, डेंसिटी की जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी अपने पास m की पावर l, t की पावर, l की पावर माइनस 3 एंड t की पावर 0, क्योंकि टाइम का टर्म तो है ही नहीं, तो t की पावर 0 बन गई। ये है बच्चों डायमेंशन। नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट सिंपली एल होता है, टाइम टी होता है, तो एल अपॉन टी दैट इज इक्वल्स टू एल टी की पावर माइनस 1। सो इट इज एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर माइनस 1। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा ये गलती से यहाँ पे बच्चे ने वॉल्यूम लिख दिया है, जिस बच्चे की कॉपी है ना मेरे स्टूडेंट की, उसने वॉल्यूम लिख दिया मिस्टेक से। तो यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखना है आपको, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी अपने पास में है एल टी की पावर माइनस 1 और टी अपॉन के पास है, टी अपॉन में टी चला गया, तो कितना बन गया एल टी की पावर माइनस 1 माइनस 1 मीन्स एल टी की पावर माइनस 2। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, एक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डेफिनेशन अभी आप लोगों ने निकाली थी, यूनिट कैसे निकाली थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब मीटर पर सेकेंड मीन्स एल टी की पावर माइनस 1।